तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल रात की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे असुरा वर्सेस चक्रवर्तीन की लड़ाई। हम जानेंगे कि चक्रवर्तीन का असली प्लान क्या था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ड्रैगन बॉल रात एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा है थिबॉल डीबॉम ने। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम देखते हैं कि ज़ैनोसामा के पैलेस में एक लड़ाई चल रही होती है जो कि होती है चक्रवर्तीन और असुरा के बीच में। असुरा की हालत काफ़ी ख़राब होती है। असुरा चक्रवर्तीन से बोलता है कि तुम्हारे जितना ताकतवर गॉड इतने दिनों तक छुपा कैसे रह सकता है। चक्रवर्तीन स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे कई मिलियन सालों से कैद कर रखा था और उस प्रिजन के अंदर से मैंने पूरी दुनिया के इवेंट्स में नज़र रखी हुई थी और मैं हर चीज़ के बारे में जानता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में चक्रवर्तीन के साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि चक्रवर्तीन बीच में खड़ा होता है और उसके चारों तरफ एंजल्स खड़े हुए होते हैं। चक्रवर्तीन बोलता है कि मैं सारे के सारे यूनिवर्सेस को ख़त्म कर देना चाहता था ताकि मैं एक बार फिर से शुरुआत कर सकूँ। ऐसा मैं पहले कई बार कर चुका हूँ। ये सब मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपने सक्सेसर को ढूंढ सकूँ। पर जिन एंजल्स को मैंने अपनी मदद करने के लिए बनाया था, उन्हीं एंजल्स ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी। उन्होंने मुझे चेन से बांध दिया और मुझे नरक नाम की जगह पर कैद कर दिया जो कि अंडरवर्ल्ड से भी नीचे है। और असुरा, मैंने तुम्हें उस नरक में कई बारी देखा। मैंने तुम्हारे मास्टर ऑगस्ट को भी वहाँ पर देखा जो कि सैंस को ट्रेन करता था, और तुम्हें वहाँ पर ऑब्जर्व करके मुझे समझ आया कि जिस शख्स को मैं इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था वो तुम थे। और धरती पर जो लड़ाई बीरस और सैयन गॉड पटारा के बीच में हुई, उस फाइट के दौरान मेरी चेन्स कमज़ोर पड़ गईं, और जब तुम उस ब्रोजीटा नाम के शख्स से लड़े तब आखिरकार मेरी चेन्स पूरी तरीके से टूट गईं और मैं आखिरकार आज़ाद हो गया। और इतने लंबे समय से मैं तुम्हें देख रहा था। तुम और तुम्हारे दोस्त ज़ैनो के लिए काम करते हैं और उसकी कही हर बात मानते हैं। जो दुनिया में छोड़ के गया था वो मेरे सक्सेसर फाइंड करने के लिए एक तरीके का टेस्ट था, और मैं वाकई में कहना चाहूँगा कि इस टेस्ट को पास करने के लिए तुमने सबसे अच्छा काम किया। साइंस में मुझे आज़ाद करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, पर मेरे हिसाब से उन्हें एग्जिस्टेंस में होना ही नहीं चाहिए था। मेरे हिसाब से वो इस रियलिटी में एक तरीके से एनोमली हैं। असुरा को पूरी तरीके से कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो बोलता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि कायोशिन्स ने जब मुझे प्लैनेट वेजिटा पर लेजेंडरी सुपर सैयन पर नज़र रखने के लिए भेजा था वो एक तरीके से गलत रियलिटी है? अगर ये बात किसी तरीके से भी सच है तो मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि तुम्हारी ही वजह से मैं एक यंग सैयन से मिला जो कि मुझे चैलेंज करना चाहता था। हम देखते हैं कि असुरा खड़ा हुआ होता है और तभी उसके पास एक सैयन आता है। उस सैयन बच्चे का नाम बारडॉक था और शायद तुमने उसी को ऑगस्ट के साथ ट्रेन करते हुए देखा था। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो पहले मेरा ही स्टूडेंट था, जैसा कि एक समय पे पटाटा, रिंगो और गीने भी थे। तभी हम असुरा की बेटी को देखते हैं और चक्रवर्तीन बोलता है कि उसी समय मुझे पता चला कि तुम्हारी एक बेटी भी है, और तभी मैं समझ गया था कि उसका इस्तेमाल करके मैं तुम्हें अपने पास खींच के ला सकता हूँ। पर उस समय मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय मैं कैद था। पर उससे पहले ही डियोस, जो कि गॉड ऑफ प्राइड था, उसने तुम्हारे खिलाफ एक प्लान बनाया और तुम्हारी वाइफ को मार दिया, और इसके बाद उसने तुम्हारी बेटी का इस्तेमाल करने की कोशिश करी ताकि वो उसकी ताकतों का इस्तेमाल कर सके, और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद डियोस ने तुम्हें भी मार के नरक में भेज दिया और मैंने तुम्हें वहीं पर देखा, पर ह्यूमंस ने तुम्हारे लिए काफ़ी प्रेयर करी जिसके बाद तुम फिर से ज़िंदा हो गए। याशा का सामना करने के दौरान तुम एक बार फिर से मारे गए जो कि डियोस के ऑर्डर्स को ही फॉलो कर रहा था, और उसी समय के दौरान प्लैनेट वेजिटा को भी फ्रीजा ने तबाह कर दिया, और उसके बाद तुम्हारा मास्टर ऑगस्ट उन सैयंस को ट्रेन कर रहा था जिन्हें मैंने नरक में देखा था, और जब तुम्हें दूसरी बारी ज़िंदा किया गया तब मुझे याद है कि वो तुम्हें देखना चाहता था। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो मून पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हम देखते हैं कि ऑगस्ट और असुरा के बीच में एक बहुत ही ख़तरनाक फाइट होती है और ऑगस्ट इस फाइट को इन्जॉय कर रहा होता है। चक्रवर्तीन बोलता है कि ऑगस्ट उस फाइट को इन्जॉय करना चाहता था क्योंकि उसके मरने से पहले वो उसकी आखिरी फाइट थी। ऑगस्ट और असुरा के बीच में बहुत ही घमासान लड़ाई होती है और चक्रवर्तीन बताता है कि उस फाइट के दौरान ऑगस्ट हार गया जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसी सेम समय के दौरान बीरस, रिंगो और बारडॉक, ये तीनों डियोस का सामना कर रहे थे, और उसी समय टोवा ने स्पेस स्टेशन को तबाह कर दिया था, और उस समय वो सभी लोग स्पेस स्टेशन पर ही थे। टोवा का मेन मकसद उस समय ये था कि तुम्हारी बेटी को मेरे पास ला सके। असुरा बोलता है कि और इसी समय के दौरान मुझे ब्रोली धरती पर मिला जिसके बाद बारडॉक ने मुझे बताया कि मेरी बेटी मिथ्रा मारी जा चुकी है। असुरा बोलता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतने खतरे में पड़ी। ये सब कुछ तुमने इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारा सक्सेसर बन सकूँ। कितनी शर्म की बात है।
चक्रवर्ती बोलता है कि अब मैं बचे हुए सभी यूनिवर्सिस के बेस्ट वॉरियर्स को यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे लड़ो। अगर तुम उन वॉरियर्स से लड़कर बच पाए और जीत गए तो मैं तुम्हारी बेटी को बख्श दूंगा और तुम उसके बाद एक नए ओमनी किंग बन जाओगे। क्या तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है? असुरा बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तभी हम देखते हैं कि चक्रवर्ती हंसने लग जाता है। तभी एकदम से चक्रवर्ती बोलता है, टोवा अब तुम्हारी बारी है। हम देखते हैं कि टोवा भी वहीं पर थी। एकदम से वो असुरा का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है और असुरा के सर में दर्द होने लग जाता है। वो बोलता है कि पर कैसे, वो डीमन गॉडेस एक बारी फिर से यहाँ पर आ गई और वो मेरे पे स्पेल पड़ रही है। इस बारी ये स्पेल मुझ पर काम नहीं करेगा। टोवा ये बात सुन के हंसती है और बोलती है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं जिसकी वजह से मेरी ताकत बढ़ रही है। तुम जल्द ही मेरी ताकतों के सामने हार मान लोगे और जो चक्रवर्ती बोल रहे हैं वो तुम्हें मानना पड़ेगा। एकदम से हम देखते हैं कि असुरा अपनी आँखें खोलता है और उसके माथे पर एक बारी फिर से वही निशाना चाहता है जिससे पता चलता है कि वो टोवा के कंट्रोल में आ गया है। एकदम से चक्रवर्ती कुछ करता है और बोलता है कि चिंता मत करो, इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हारे पास भी कुछ दोस्त होंगे। मेरे दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आओ। हम देखते हैं कि ये दोस्त कोई और नहीं गोकू ब्लैक और फ्रीजा होते हैं। गोकू ब्लैक बोलता है कि एक नई रियलिटी जो मेरा जीरो मॉडल प्लान करने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशंस में है। थैंक यू मास्टर चक्रवर्ती। फ्रीजा बोलता है, चक्रवर्ती मुझे फिर से जिंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस सैयन के साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम धरती पर आ जाते हैं। धरती पर किसी को नहीं पता कि ज़ेनोसामा के पैलेस में क्या चल रहा है। गोकू बोलता है, वेजिटा ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम मुझे सुपर सैयन 4 नहीं सिखाओगे तो मैं उसको अपने आप ही सीख लूँगा। वेजिटा बोलता है, कैकारोट क्या तुम्हें सच में लगता है कि जो टेक्निक मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करके तुमसे जीतने वाला हूँ वो मैं तुम्हें इतने आराम से सिखा दूंगा? गोकू बोलता है, वेजिटा लगता है तुम ज़्यादा ही घमंडी हो गए हो, तुमने अभी तक मेरा मंत्रा सुपर सैयन नहीं देखा है। वेजिटा बोलता है कि मुझे तुम्हारी उस फालतू की ट्रांसफॉर्मेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गोकू बोलता है कि रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एकदम से हम देखते हैं कि गोकू मंत्रा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाल वाइट हो जाते हैं। उसके चारों तरफ से एक बहुत ही शांत पर इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। गोकू बोलता है, वेजिटा तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? वेजिटा बोलता है कि हाँ मुझे मानना पड़ेगा कि ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से इस फॉर्म से बाहर आ जाता है। वो बोलता है कि अरे ये क्या, मेरा मंत्रा ख़त्म हो गया। गोकू एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है। वेजिटा को ये चीज़ देख के काफ़ी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम इस फॉर्म को मेंटेन तो कर नहीं सकते हो, ये तो सुपर सैयन 3 से भी बेकार है। गोकू एकदम से हंसकर बोलता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास इस वक्त ज़्यादा ताकत नहीं बची है, मुझे अपने अंदर की स्पिरिट एनर्जी को सही तरीके से चैनल करना पड़ता है जिसके बाद मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और मेरी सेंसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, यानी कि ये स्पिरिट एनर्जी का एक नई तरीके का वेरिएशन है और ये वेरिएशन तब बनता है जब तुम स्पिरिट एनर्जी और गॉड की को एक साथ मास्टर कर लेते हो और उन दोनों को मिला देते हो। कैकारोट कभी कभार तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस करते हो। इसके बाद करीब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि पिकलो और गोहान की भी ट्रेनिंग जारी होती है। हम देखते हैं कि पिकलो की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और गोहान मेडिटेशन में बैठा हुआ है। पिकलो बोलता है कि गोहान कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम सिर्फ 2 ही हफ्ते में अपने फादर के लेवल तक पहुँच चुके हो। हम देखते हैं कि गोहान के चारों तरफ से एक बहुत ही इंटेंस ऑरा निकल रहा होता है। गोहान एकदम से पावर डाउन करता है और बोलता है, पिकलो क्या तुम सच में ठीक हो? पिकलो बोलता है, गोहान चिंता मत करो, तुम ऑलरेडी जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भले ही तुम्हारे फादर जितना ताकतवर नहीं हूँ पर मैं अपनी नई टेक्निक के ज़रिए अपने आप को डिफेंड ज़रूर कर सकता हूँ। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि चक्रवर्ती का असली प्लान क्या है। अगले पार्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो उसका इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों फिलहाल आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।